हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है बड़ी रफ्तार में, आप एकदम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एकदम तबाही मचाते हुए, और अपन ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड कर लिए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। चलिए बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन में और डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार, क्योंकि वेपर प्रेशर का यूज आप राउट स्लो में करते हो। राउट स्लो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको वेपर प्रेशर अच्छे से समझ आएगा तो आप राउट स्लो में भी बहुत रफ्तार से खेल सकते हो दोस्त। तो अपन खेलने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। राउट फ्लो में अगर खेलना है तो वेपर प्रेशर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब वेपर प्रेशर होता क्या है उसे समझते हैं। जैसे कि समझे, हमारे पास एक वीकर लेके रखा हुआ है अपन ने, बहुत अच्छा सा वीकर है, ठीक है, और इसमें मैंने लिक्विड डाल के रखा हुआ है। बताओ कौन सा लिक्विड है, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वो लिक्विड ले लो। सर पेट्रोल बहुत हाई चल रहा है, पेट्रोल ले लेते हैं, अमीर लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो पेट्रोल ले लिया सपोज, ठीक है, ले लिया ना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस वीकर को ऊपर से कवर्ड कर लिया। क्या कर दिया भाई, ऊपर से कवर्ड कर दिया है। अब यहां पर क्या होगा, अब जैसे जैसे इस लिक्विड को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिलेगा, क्या मिलेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मिलेगा, एटमॉस्फेयर से ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये वेपर बनना कन्वर्ट होगा। मतलब यहां से जो लिक्विड है उसका क्या होगा, वेपराइजेशन होना स्टार्ट होगा, मतलब इसका इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा, वेपर में ये कन्वर्ट होगा। ये जो प्रोसेस है लिक्विड से वेपर का बनना, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इवेपोरेशन। क्या है भाई, इवेपोरेशन हो रहा है भाई। अब यहां पर ये लिक्विड तो बन गया यार, ठीक है, लिक्विड जो है वो वेपर तो बन गया है, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकता। बाहर क्यों नहीं जा सकता, ऊपर तो आपने प्लेट रख दी, मतलब ढक दिया इसे, तो अब यहां की जो वेपर होंगी वो इस पर जाकर क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो वेपर हैं वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगी, अब ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगी। मतलब इस प्रोसेस को, वेपर से लिक्विड बनना, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। क्या बोलोगे, कंडेंसेशन भाई। मतलब यहां पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कंटिन्यूअसली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो रहा है, लिक्विड वेपर बना रहा है, वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो कि ये जो वेपर है भाई, जब वो नीचे आएंगी तो इस लिक्विड की सरफेस पर एक फोर्स लगाएंगी पर यूनिट एरिया। क्या लगाएंगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में फोर्स अप्लाई करेंगी, और उसी को आप क्या बोलते हो, प्रेशर। और ये प्रेशर कौन लगा रहा है, वेपर, मतलब इस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को अपन कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड व्हेन देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड और वेपर। जो वेपर ने लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर जनरेट किया है, कब, जब लिक्विड और वेपर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो उस प्रेशर को आपने क्या बोला, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन कोई पूछे, ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन देयर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड और वेपर। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो लिक्विड है और जो वेपर है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस बात का ध्यान रखें। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तो बहुत आराम से समझ सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट करने का मतलब या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। इसमें पहला टॉपिक आपके पास है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर क्या है। तो यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। पेट्रोल का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, मिल्क का अलग होगा भाई। तो डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट वेपर प्रेशर, ये ध्यान रखें, डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट वेपर प्रेशर, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब लिक्विड में अगर कंपेयर करते हैं, अगर अलग अलग लिक्विड गिवन हो और उनमें हमें ये कंपेयर करना पड़े कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा, जो लिक्विड आसानी से वेपर बना रहे हैं, जो लिक्विड आसानी से वेपर बना रहे हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा भाई। अब ये जो लिक्विड है वो आसानी से वेपर क्यों बना रहे हैं भाई, ऐसे लिक्विड जिनमें
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनमें कम होगा उनका वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। अगर मैं अगर थोड़ा सी बात करूं कि ये लिक्विड आसानी से वेपर बना कब सकता है, जब इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कम हो। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, धीरे से टूटेंगे, वेपर बनाएंगे भाई, और वेपर बनाएंगे तो लिक्विड की सरफेस पर आकर वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। तो ऐसे लिक्विड जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उनका वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो ज्यादा वॉलेटाइल होंगे उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये ध्यान रखें। पेट्रोल और वाटर की बात करें तो पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर होगा वो वाटर से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है एज कंपेयर टू वाटर, ये ध्यान रखें। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर की रेट बढ़ जाएगी, ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे भाई तो ज्यादा वेपर प्रेशर आने वाला है। तो यहां पर ध्यान रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। नेक्स्ट अगर इंप्योरिटी की बात करें, आपने क्या करा यहां पर इंप्योरिटी डाल दी भाई, सपोज उठा के कुछ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल दिए, सॉलिड सब्सटेंस डाल दिए भाई, सॉलिड सब्सटेंस उठा के इस लिक्विड में डाल दिए। अब सॉलिड सब्सटेंस जो रहता है भाई वो तो वेपर नहीं बनाता है, वो तो वेपर नहीं बनाता है। अब ये जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपने डाला है वो इस लिक्विड से क्या बोलेगा कि भाई हम तो वेपर नहीं बना रहे हैं, तुम्हें भी नहीं बना देंगे। ठीक है, मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, बात वही है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड होगा, जो सॉलिड सब्सटेंस होगा, वो लिक्विड से बोल रहा होगा कि भाई हम तो वेपर बनाते नहीं क्योंकि हम तो सॉलिड है, तुम्हें भी नहीं बनाने देंगे यार, क्यों थोड़ा सा साथ निभाओ यार हमारे साथ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि ये जो लिक्विड था, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स को भी वेपर नहीं बनाने देते हैं। बेसिकली ये होता है, ये टपक करके बैठ जाते हैं भाई। ठीक है, अब टपक करके बैठ रहे हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज नहीं हो पा रहे हैं। तो इंप्योरिटी डालने से या इंप्योरिटी बढ़ाने से आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इंप्योरिटी में याद रखना है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ना तो हम वेपर बना रहे हैं ना तुम्हें वेपर बनाने देंगे, और वेपर नहीं बनाने देंगे तो वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, कम आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है साइज ऑफ कंटेनर, और फिफ्थ है अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि अगर कंटेनर का साइज बढ़ा देते हैं तो वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। वेपर प्रेशर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है साइज ऑफ कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड से। मतलब ये ध्यान रखेंगे कि साइज ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर की पावर जीरो। मतलब ना तो ये वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। साइज चेंज कर रहे हो कंटेनर का, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं है। अमाउंट चेंज कर रहे हो, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना है। अमाउंट सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल रहे हो आप, पर यूनिट एरिया तो फोर्स सेम रहेगी ना, चाहे आप अमाउंट बढ़ाओ या कम करो, इससे कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, इंप्योरिटी, साइज ऑफ कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो काम की बात है वेपर प्रेशर में वो इस डेफिनेशन को समझना कि वेपर प्रेशर एक्चुअल होता क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो ये वेपर प्रेशर की पूरी कहानी है भाई आपके पास। ठीक है, अब इस जो वेपर प्रेशर आपने पढ़ा है ना, उसका यूज आप बेसिकली राउट्स फ्लो में करने वाले हो, और वहां पर देखने वाले हो कि राउट्स फ्लो में किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।